हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? यदि आप न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर या रेडियो जॉकी बनना चाहते हो तो आपकी वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका जो उच्चारण है, यानी जो शब्दों का उच्चारण है, वो भी सही होना चाहिए। तो इसके लिए आखिर क्या करना पड़ता है? यदि वॉइस क्लियर नहीं है, उच्चारण सही नहीं है, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, वो आपको बताते हैं। लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से पत्रकारिता से संबंधित जब नए वीडियो आए तो आपको सूचना सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इस तरह से वीडियो देख सकते हो। नंबर वन ट्रिक है पेंसिल को माउथ में रखकर रीडिंग करना। यदि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है और आप इसके साथ ही अपनी वॉइस का बेस बढ़ाना चाहते हो तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको क्या करना है? अब पेंसिल को लेना है और पेंसिल को लेकर माउथ में रखना है, और माउथ में रखकर या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ भी, आपको लगभग कम से कम 10 मिनट तक रीडिंग करनी है अच्छे से। और आपको बता दे कि इस पेंसिल को माउथ के अंदर रखना कैसे है। सबसे पहले पेंसिल को लेना है, उसके बाद उसको माउथ के अंदर इस तरीके से रखना है कि पेंसिल से जो टीथ है वो टच न हो, यानी पेंसिल के साथ होंठ केवल टच होने चाहिए, टीथ बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पेंसिल को माउथ के अंदर रखना है, और उसके बाद आपको या तो जो मर्जी आपको जो पसंद हो उसे आप पढ़िए। कम से कम 10 मिनट रोजाना ये ऐसा आप करोगे तो आप खुद फर्क महसूस करने लग जाओगे अपनी वॉइस के अंदर। आपकी वॉइस के अंदर थोड़ा सा भारीपन आने लगेगा। मैंने खुद ट्राई किया है। अब आप कहोगे भाई तेरी खुद की वॉइस के अंदर तो भारीपन नहीं है, मेरी पहले की वॉइस, आप मेरा सबसे पहला जो वीडियो है वो देखिए, और आप इस वीडियो को तभी देख ही रहे हो तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरी वॉइस के अंदर कितना अंतर आया है इस प्रैक्टिस की वजह से। नंबर दो प्रैक्टिस। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप बोलो या कुछ भी पढ़ो तो खुद सुना करो कि आपने क्या पढ़ा, आपने जो शब्द बोला है उस शब्द को क्या आपने सही से उच्चारित किया। इससे क्या होगा, जब आप सुनोगे तो आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि मैंने जो शब्द अभी उच्चारित किया वो कितना सही है कितना गलत है। अपने आप आपको अंतर समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा उच्चारण सही है इस शब्द का, कौन सा उच्चारण इस शब्द का गलत है। तो इस तरह से आप अपने जो शब्दों का उच्चारण है वो सही कर सकते हो। मेरा भी जो उच्चारण है शब्दों का ठीक नहीं है, और आपने देखा होगा कि आपने पहला वीडियो देखी आप मेरा, उसमें मेरा शब्दों का उच्चारण बिल्कुल सही नहीं है। और अब आप ये वीडियो देख ही रहे हो कि इसमें शब्दों का उच्चारण कितना ठीक है। वैसे अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी हद तक मुझे उस एक्सरसाइज से जो एक्सरसाइज है पेंसिल वाली वो की उससे फ़ायदा मिला। इसके साथ ही मैं अपने जो शब्द है उसको सुनने की कोशिश करता हूँ। ये तभी संभव होगा जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहोगे, यानी आप एकदम एकदम एकाग्रता के साथ आप बोलोगे और आप एकदम सुनोगे कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप यही कोशिश कीजिए, दो नंबर ट्रिक यही है। नंबर तीन ट्रिक है आपको क्या करना है, तीन शब्द बता रहा हूँ आपको, तीन शब्द के दो दो फॉर्म हैं, आप लिख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, किंग कॉन्ग पिंग पोंग डिंग डोंग, इन तीनों को लिख लीजिए। वैसे याद हो गए होंगे आपको। इसको करना क्या है, इसको लगभग रोज बोलना है। बोलना कैसे है वो बता देता हूँ आपको। इस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको खड़ा होना है, खड़ा होके सिर को उठाना है, उठा के ऐसे पीठ के पीछे पीछे ले जाना है, सिर को पीछे ले जाके आपको बोलने की कोशिश करना है ये शब्द, जैसे डिंग डोंग पिंग पोंग किंग
कॉन्ग इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपका जो वोकल है वो खुलेगा, जितना खुलेगा उससे आपकी जो वॉइस का जो बेस है वो बढ़ेगा। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, रोजाना 10 मिनट कीजिए, आपको खुद को अंतर महसूस होगा। आप रोजाना जरूर कीजिए, इससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा और इसको कंटिन्यू रखिए। तो ये 3 प्रैक्टिस है, आप इसे ज़रूर आजमाइए। अगर यदि आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं या रिपोर्टर बनना चाहते हैं या रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, क्योंकि दोस्त अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, यदि आपका प्रोनंसिएशन यानी आपका उच्चारण सही नहीं है, तो भाई न्यूज़ एंकर बनना फिर संभव नहीं है। भले ही आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप कितना भी अच्छे दिखते हो, आपके पास जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी सही हो, लेकिन अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आप कैसे बन पाओगे। क्योंकि रेडियो में भी बोलना होता है और टीवी में तो दिखना और बोलना दोनों है ही, इसीलिए अपनी वॉइस को अच्छा करना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोक दीजिए और कमेंट करके बताइए कि और आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।